अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजेदार सी मटका कुल्फी, जो कि हम अक्सर बाहर मार्केट में खाते हैं। सेम उसी तरह हम बनाएंगे। इसमें हम कोई भी ड्राई फ्रूट्स अंदर इसके नहीं डालेंगे कुल्फी के अंदर। आप चाहें तो ऊपर से गार्निशिंग में यूज कर सकते हैं। तो आज केवल दो चीजों से हम बहुत ही टेस्टी और मजेदार सी कुल्फी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर फुल फैट दूध ले लिया है। चाहे आप गाय का ले लें, चाहे आप भैंस का ले लें, चाहे पाउच वाले ले लें, लेकिन लेना हमें इसके लिए फुल क्रीम दूध ही है। तो इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है और इस तरीके से हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। अगर आप हाई फ्लेम पर खड़े होकर इसको रिड्यूस कर रहे हैं तो आप इसको लगातार चलाते रहें, नहीं तो उफन कर ये बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से चलाते हुए इसको हमें इतना पकाना है जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। मतलब हमने 1 किलो दूध लिया है, यानी कि 1 लीटर दूध लिया है, तो 3 हिस्सा हमें इस दूध को पकाना है, 1 हिस्सा रह जाएगा। इतना हमें दूध को पका के गाढ़ा करना है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नई वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। और ये कुल्फी बनाना बहुत आसान है, केवल 2 चीजों से मजेदार सी कुल्फी बन के तैयार होगी। कि गर्मियां शुरू हो गई, लॉकडाउन चल रहा है, मार्केट में कहीं भी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके से आप घर में बनाकर इसको बहुत ही आसानी से इसका मजा ले सकते हैं। दूध देख सकते हैं आप, इसमें उबाल आ चुका है। अब इस तरीके से हमको इसे लगातार चलाते रहना है ताकि ये नीचे भी ना लगे, और जो साइड पे मलाई आएगी उसको भी हमें इस तरीके से निकालते रहना है। तब जो दूध है हमारा बहुत जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। तो अगर आप उस जगह पे खड़े हैं तो आप इस प्रोसेस को हाई फ्लेम पर भी कर सकते हैं। अगर हम लो फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से हम चलाते रहेंगे और साइड पर जो मलाई आएगी उसको हम निकालते रहेंगे साथ के साथ। 25 मिनट के करीब हो गए इसको हमें हाई फ्लेम पर इसी तरीके से लगातार चलाते हुए। अब आप देख सकते हैं ये हाफ क्वांटिटी रह गया है। 1 लीटर मैंने दूध लिया था, ये तकरीबन आधा किलो हो गया है पक पक के। अब यहाँ पे लिया है मैंने 1/3 कप चीनी, उससे भी थोड़ी सी कम है। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, जैसे आप पसंद करते हैं। तो हम डाल देंगे इसको और इसी तरीके से लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे, ठीक है ना, कि जब तक कि थोड़ा सा और गाढ़ा नहीं हो जाता। चालीस मिनट के करीब हो गए इस तरीके से मैं लगातार इसको पकाते हुए। अब आप देख सकते हैं 3 हिस्सा दूध हमारा जो है वो पक चुका है, गाढ़ा हो चुका है। अब यहीं पे हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद में थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जितना अच्छा दूध होगा उतनी अच्छी हमारी जो मटका कुल्फी है बन के तैयार होती है। इसी तरीके से आप केसर मलाई कुल्फी भी बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। देखिए कुल्फी के बैटर को हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। आप चाहें तो इसमें फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल सकते हैं, या केवड़ा वाटर डाल सकते हैं, या रोज वाटर डाल सकते हैं, लेकिन मुझे जो दूध की रियल स्मेल होती है कुल्फी के अंदर मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने 2 प्याले लिए हैं मिट्टी के। अगर आपके पास कुल्लड़ है, मिट्टी के कुल्लड़ भी आते हैं, चीनी के कुल्लड़ भी आते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें फिरनी हो या मटका कुल्फी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बाकी आप चाहे तो किसी भी बर्तन में इसको जमा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 मिट्टी के प्याले ले लिए हैं। अब इस बैटर को हम इसमें डाल लेंगे। तो प्याले में इसको हम डाल लेंगे। और अगर आप 7 से 8 घंटों के लिए भी इसको रख सकते हैं जमने के लिए, और आप चाहें तो इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। तो हम रखने वाले हैं इसको ओवरनाइट के लिए। तो यहाँ पे हमने प्याले में डाल लिया है। अब यहाँ पे हमने लिया है फॉइल पेपर, ताकि इसमें जो आइस क्रिस्टल है वो ना जमे। इस तरीके से हम इसको कवर कर देंगे अच्छे से। आपके पास अगर फॉइल पेपर नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक लगा के रबड़ बैंड लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने दूसरा प्याला इसमें भी डाल लेंगे। इसको मैंने धोकर अच्छे से रख दिया था।
देखिए दोनों प्याले हमने तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने दो पेपर ग्लास लिए हैं जो जिसमें हम टी या कॉफी पीते हैं, तो इस तरीके से हम दोनों गिलासों में डाल लेंगे। आप इसमें आइसक्रीम स्टिक भी लगा सकते हैं, तो दो गिलासों में हम डाल लेंगे इस तरीके से। तो दोनों गिलास भी हमने यहाँ पर फिल कर लिए हैं। अब इसको भी हम फॉइल पेपर से कवर कर लेंगे। देखिए अब इसको हम रख देंगे ओवरनाइट सेट होने के लिए। देखिए हमारी मटका मलाई कुल्फी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जम के तैयार हो गई है। तो इसका हम फॉइल पेपर हटाएंगे और बहुत ही बढ़िया सी जमी है, बिल्कुल भी इसमें आइस क्रिस्टल नहीं आए हैं। आप देख सकते हैं जैसे हम मार्केट की खाते हैं एकदम स्मूथ कुल्फी हमें मिलती है, बिल्कुल वैसे ही ये बनके तैयार होती है। और कुल दो चीजों से मैंने बनाया है, केवल दूध और चीनी, और एकदम प्योर हमारी मटका मलाई कुल्फी बनके तैयार हो गई है। आप चाहें तो इस तरीके के ग्लास में, या आपके पास कुल्फी मोल्ड है तो आप उसमें भी जमा सकते हैं। आपको पास से दिखा देती हूँ कितनी अच्छी सी हमारी मटका मलाई कुल्फी बनके तैयार हो गई है। तो ये रेसिपी भी हमारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी रेसिपी को लाइक, और हमारे चैनल को पहली मरतबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और आप अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि हमारी रेसिपीज आपको कैसी लगती हैं। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।